हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेसन नंबर सेकंड। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर। एज यू नो वी आर लिविंग थिंग्स, आप सब जानते हो हम लिविंग थिंग्स हैं ना। लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीते हैं, सांस लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जेंडर। तो लिविंग थिंग्स आर कैटराइज एज इधर मेल और फीमेल। एज यू नो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको डिवाइडेड किया गया है मेल और फीमेल, यानी कि जेंडर हमारे क्या होता है, मेल और फीमेल। तो फर्स्ट इज मेल इज मैस्कुलिन जेंडर एंड फीमेल इज फेमिनिन जेंडर, है ना। जो जो मेल होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं वो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर में, एंड फीमेल जो होते हैं वो फेमिनिन जेंडर में। फॉर एग्जांपल जैसे मैस्कुलिन जेंडर में बॉय एंड फेमिनिन जेंडर में गर्ल। नेक्स्ट देखिए कि वी यूज डिफरेंट प्रोनाउंस टू रेफर टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। एज यू नो व्हाट इज प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं आप जानते हो, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, विच वर्ड्स यूज इन द प्लेस ऑफ द नाउंस, यानी कि जो हम जो शब्द हम जो नाउन के स्थान पर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस। ओके, तो वी यूज डिफरेंट प्रोनाउंस टू रेफर टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। तो हम प्रोनाउंस ये मैस्कुलिन मेल और फीमेल के लिए हम जो डिफरेंट प्रकार के जो प्रोनाउंस हैं उनको हम यूज करते हैं। जैसे मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर। नेक्स्ट है नाउंस दैट आर कॉमन टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर आर इन ए कॉमन जेंडर। कि नाउंस कि वो नाउंस दैट आर कॉमन, जो कॉमन है मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए आर इन कॉमन जेंडर, वो कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे कुछ कॉमन होते कि है ना, जैसे बॉय गर्ल, जैसे बॉय गर्ल के लिए हम दोनों को चाइल्ड भी बोल सकते हैं, है ना। वी आर कॉल्ड बोथ ऑफ बॉय एंड गर्ल दैट चाइल्ड, तो दैट इज कॉल्ड ए कॉमन जेंडर। नाउंस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आर इन न्यूटर जेंडर। कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटर जेंडर। कि नाउंस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है नाउंस में दैट इज कॉल्ड ए न्यूटर जेंडर। तो वी यूज द प्रोनाउन इट टू रेफर टू नाउंस इन न्यूटर जेंडर, यानी कि अब देखिए जो न्यूटर जेंडर होते हैं उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट हैव बीन रेनिंग या कुछ भी, जैसे जो बेजानदार चीज़ें होती हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आया था कि नाउंस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स जो नॉन लिविंग होती हैं, जो जीवित नहीं होती, दैट इज कॉल्ड ए न्यूट्रल जेंडर। तो हम उनके लिए बेटा इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया ना कि जैसे मैस्कुलिन जेंडर हुआ तो दैट इज उनके लिए बॉय ही, है ना, हिम। और जो फेमिनिन जेंडर हुआ जैसे उनके लिए गर्ल और शी, हर उनका यूज करते हैं। तो लाइक दैट वी यूज फॉर न्यूट्रल जेंडर फॉर इज इट, तो हम उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। सम वर्ड चेंजेस फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर एंड ऑन एडिंग ए सफिक्स। कि कुछ वर्ड्स हैं जो मैस्कुलिन जेंडर में मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, एक सफिक्स बना सकते हैं, जिससे वो चेंजेस हो जाते हैं। कि मैस्कुलिन से वो फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाते हैं, फेमिनिन से मैस्कुलिन में चेंज हो जाते हैं। जैसे हेड मास्टर, तो और इसका क्या हो गया फेमिनिन, हेड मिस्ट्रेस। सम वर्ड्स चेंजेस फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर बाई एडिंग ई डबल एस एस, है ना। तो कुछ जो जेंडर हैं वो जिसमें हम ई डबल एस एड करके उसको हम चेंजेस कर देते हैं, जैसे काउंटेस, है ना। तो इनमें क्या है, कुछ जैसे सफिक्स प्रीफिक्स लगाकर हम उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मैस्कुलिन में हम उनको चेंजेस कर सकते हैं। सम वर्ड्स टर्न इंटू न्यू वर्ड्स टू चेंज फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन। और कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो टर्न हो जाते हैं, यानी कि वो बदल जाते हैं न्यू वर्ड्स में, वो चेंज हो जाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में। यानी कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, कुछ सफिक्स प्रीफिक्स को बीच में ऐड करके उनको हम चेंजेस कर रहे थे, बट वी चेंजेस टोटली अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स। जैसे लॉर्ड का लेडी हो गया, है ना। तो इसमें आप आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर। ओके, अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है आप इनको कर लेना। जैसे इसमें आगे इसमें लिखना है कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर कौन कौन से, कि माय अंकल कौन से है, डॉक्टर क्या है, चिल्ड्रन हाउस, तो उनके आगे मैस्कुलिन फेमिनिन आपको लिखना है।
नेक्स्ट है आपकी, जैसे टिक द करेक्ट ऑपोजिट जेंडर फॉर ईच वर्ड इन द लेफ्ट, है ना। अब जैसे ऑथर का ऑथरेस या ऑथरर, बक कोल्ट डियर, लैड लेडी, एलएस, तो उनके आगे आपको लिखना है, टिक मार्क करना है। फिर इसमें है चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड राइट द सेंटेंस। अब इसमें ए टेम्पल इज द होम ऑफ गॉड्स, तो ये टेम्पल इज द होम ऑफ गॉडेस, यानी कि इसमें भी आपको जेंडर चेंज करना है। जैसे क्वीन का किंग हो जाएगा, एम्प्रेस का एम्परर हो जाएगा, जो भी चीज़ें उसमें आप देख लेना, ठीक है बेटा। और फिर बाकी मैं दोनों लेसन की एक्सरसाइज है जो आपको फिलअप करके आपको मैं सेंड कर दूँगी, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर। नंबर में देखिए, आप जानते हो कि नंबर कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर क्या होते हैं बेटा हमारे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द नाउन, सॉरी नंबर, कि काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, कि काउंटेबल यानी कि जो हम गिन, जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, सिंगुलर यानी कि एक वचन संज्ञा और प्लूरल यानी कि बहुवचन संज्ञा। तो दैट इज कॉल्ड ए सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर नाउन्स मीन्स वन, सिंगुलर नाउन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स वन यानी कि केवल एक। सिंगुलर नाउन्स मीन्स मतलब वन। प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन, यानी कि प्लूरल नाउन्स क्या होता है, एक से ज़्यादा। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स आर काउंटेबल, ये दोनों बोधार काउंटेबल, ये सब काउंटेबल है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को भी गिन सकते हैं ना। जैसे वी एड एस ई एस आई ई एस वी एस टू चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स, कि तो हम इनको चेंजेस कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, कि लास्ट में एस ई एस आई ई एस वी एस को ऐड करके वी कैन चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स, तो हम उनको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्वाइस, ट्वाय का हो गया ट्वाइस, मैंगोज, बेबीज, हूफ्स, है ना। सम नाउन्स डू नॉट चेंज टू बिकम प्लूरल, कुछ जो नाउन्स हैं वो चेंज नहीं होती प्लूरल होने के, है ना, टू बिकम प्लूरल होने के बाद भी। जैसे शीप का सिंगुलर भी शीप ही रहेगा, डियर और डियर का डियर ही रहेगा, ओके। अब देखिए, जैसे सम अदर नाउन्स आर कॉल्ड इररेगुलर नाउन्स, कुछ नाउन जो नाउन्स होती हैं बेटा वो क्या कहलाती है हमारे, इररेगुलर नाउन्स, क्योंकि बिकॉज दे चेंज कम्प्लीटली इंटू न्यू वर्ड्स टू बिकम प्लूरल, क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, है ना, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं न्यू वर्ड्स में टू बिकम प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए। इररेगुलर नाउन्स वो हमारी क्या कहलाती हैं, इररेगुलर नाउन्स क्या कहलाती हैं बेटा, आई रिपीट कर रही हूँ अगेन, कि वो इररेगुलर नाउन्स कहलाती हैं। कि सम अदर नाउन्स आर कॉल्ड इररेगुलर नाउन्स, कि जो कुछ और जो नाउन्स हैं वो क्या कहलाती हैं हमारी, इररेगुलर नाउन्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं नए वर्ड्स में, जब उनका हम लोगों को क्या बनाना होता है, टू बिकम प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अब जैसे फूट है फीट हो जाता है, मैन का मैन है मैन हो जाता है, वुमेन का वीमैन हो जाता है, है ना, हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है बेटा, कम्प्लीटली चेंजेस हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है हमारी, इररेगुलर नाउन्स हमारी ये कहलाती हैं, ओके। इसकी भी एक्सरसाइज आप देख लेना बेटा, जैसे कंप्लीट द टेबल एंड सर्किल द वर्ड्स दैट डू नॉट चेंज इन नंबर, उनको जो नंबर में चेंज नहीं होने उनको लिखना है ना। रीराइट दिस सेंटेंस इन प्लूरल, इनको प्लूरल में करना है। जैसे द गर्ल हैज ए ग्रैंडफादर क्लॉक, दीज गर्ल्स हैव ग्रैंडफादर क्लॉक्स, यानी कि इनको क्या करना है, ये सिंगुलर में सेंटेंस है और इनको प्लूरल में हम लोगों को चेंजेस करना है। एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज पजेसिव नाउन्स, ओके। क्या है हमारा पजेसिव नाउन्स, पजेसिव, पजेसिव मीन से क्या होता है बेटा, कि इसमें इंडिकेट करता है पजेसिव नाउन्स, क्योंकि वी हैव ए पोजेशन टू ओन थिंग्स, कि हमें अपनी चीज पर अधिकार हो, दैट इज कॉल्ड ए पजेसिव नाउन्स। कि द लेटर एस, यानी कि जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम लेटर बोलते हैं, तो अल्फाबेट में जो लेटर हमारा एस है वो तो इज यूज टू इंडिकेट द पजेसिव नाउन, वो पजेसिव नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे का कहते हैं ना, जैसे डॉग्स होम, डॉग्स बोन, राम्स हाउस, दैट इज कॉल्ड ए पजेसिव नाउन्स। जैसे फॉर ए सिंगुलर नाउन, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे द डॉग्स बोन, यानी कि जो डॉग्स की हड्डी।
फॉर ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, एग्जाम्पल जैसे द प्रिंसेस क्राउन, जैसे इनका मतलब क्या होता है, जैसे का की के, है ना, ये पजेसिव के लिए आता है। फॉर ए सिंगुलर प्रॉपर नाउन एंडिंग इन एस, जो सिंगुलर प्रॉपर जो नाउन है वो क्या होती है, एस से एंडिंग होती है, जैसे एग्जाम्पल जैसे किंग चार्ल्स पैलेस, किंग चार्ल्स का पैलेस, है ना। फॉर ए सिंगुलर प्रॉपर नाउन एंडिंग इन एस। फॉर ए प्लूरल नाउन, एग्जाम्पल जैसे ऑफिसर्स रूम। फॉर ए प्लूरल इरेगुलर वर्ब, जैसे एग्जाम्पल वीमेन्स अम्ब्रेला, जैसे औरत का अम्ब्रेला, ये भी का की के लिए आता है। अब देखो इसमें कॉमा लगा के एस लिखा हुआ है, ऑफिसर्स रूम, ऑफिसर का रूम, और ये वीमेन्स अम्ब्रेलाज, यानी कि वीमेन्स का अम्ब्रेलाज, तो ये उसमें देखा जाता है। आप देखिए इसमें एस या एस लगाया है, क्योंकि वी आल्सो यूज द अपोस्ट्रॉफी टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ ए लेटर इफ फिगर ऑन एब्रीवेशन, एग्जाम्पल जैसे द 1980s द MPs, तो हम इसमें क्या करते हैं, अपोस्ट्रॉफी का भी यूज़ करते हैं, कि वी आल्सो यूज द अपोस्ट्रॉफी, कि हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ भी करते हैं टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ ए लेटर, एक लेटर का प्लूरल बनाने के लिए। जैसे फिगर है वो हमारी फिगर कहला जाती है एब्रीवेशन की, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें 90s, अब इसमें क्या करते हैं 90s द MPs, दैट इज कॉल्ड ए पजेसिव नाउन। ओके बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स एज शोन, आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, डू योर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप, जैसे क्या है, दिस टॉय बिलोंग्स टू अमन, तो दिस इज अमन्स टॉय, कि ये अमन का, अब इसमें हमने अपोस्ट्रोफी लगा के अमन का टॉय। दैट बिलोंग्स टू द स्वीपर, तो किसके बिलोंग कर रहा है, स्वीपर को, है ना, तो क्या है, दिस इज बिलोंग्स टू स्वीपर, या मतलब जो भी एक्सरसाइज इसकी आपकी जैसे भी हो आप इसको करिए, फिर इसके जो आंसर कीज हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।